प्रदेश के कई जिलों में आयकर विभाग ने दबिश दी है। रायपुर, बीरगांव, रायगढ़ और खरसिया में आईटी की रेड चल रही है। कई कारोबारियों के ठिकानों पर टीम जांच कर रही है। इसे लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ये तो शुरुआत है, अभी आईटी आया है, पीछे पीछे ईडी भी आएगी। यात्रा करते हुए करीब 3500 किलोमीटर यात्रा होगी और समझता हूँ इस यात्रा का उद्देश्य भारत को जोड़ना है। जो सामाजिक दुनिया या नफरत फैलाने की जो कोशिश की जा रही है उसे समाप्त करना, दूसरा जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसे केंद्र सरकार लगातार कमज़ोर कर रही है। अब लोकसभा में भी महंगाई, बेरोजगारी इस पर चर्चा नहीं होती, करने नहीं देते, तो ऐसे में जनता के बीच जाकर जनता की समस्याओं को लेकर बात करना और एक प्रदेश में एक वातावरण निर्मित कि आज किसान, मजदूर, नौजवान, गृहिणियाँ सारे लोग परेशान हैं, महंगाई से, बेरोजगारी से सब त्रस्त हैं। इस सब मुद्दों को लेकर ये यात्रा की जा रही है। मैं समझता हूँ कि बहुत दिन बाद कोई राजनेता पदयात्रा कर रहे हैं, इसका जबरदस्त असर पूरे समाज पर पड़ेगा।